दिलचस्प और गजब जानकारी के वीडियोस रोजाना देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप आने वाले नए वीडियोस मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण और आपका स्वागत है YouTube चैनल अमेजिंग ज्ञान में। दोस्तों, हम कई बार कपड़ों को लॉन्ड्री से धुलवाते हैं। अगर कपड़े नए हैं, अगर कपड़ों पर दाग जिद्दी हो जाते हैं जो हम घर पर क्लीन नहीं कर सकते हैं, तब हम कपड़ों को लॉन्ड्री में देते हैं। साथ ही दोस्तों, कपड़े के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि जर्किन है, कोट है, ब्लेजर है, लेदर के कपड़े हैं, तब उनको ड्राई क्लीन करने के लिए हम लॉन्ड्री में देते हैं। और लॉन्ड्री से कपड़े अच्छे खासे धुला भी जाते हैं, कपड़े बहुत ही साफ सुथरे निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ड्राई क्लीनिंग का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है? क्या वहां पर पानी का इस्तेमाल किया जाता है, क्या वहां पर पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, ड्राई क्लीनिंग हम घर पर भी कर सकते हैं, राइट? तो दोस्तों देखिए, अगर हम ड्राई क्लीनिंग का शब्द से अर्थ लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि पानी के बिना धुलाई करना, यानी कि ऐसी धुलाई जहां पर पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसी तरह से ड्राई क्लीनिंग का मतलब होता है। लेकिन दोस्तों, टेक्निकली ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस में वो जो क्लीनिंग होती है वो ड्राई नहीं होती है, वहां पर लिक्विड सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर लिक्विड केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कपड़ों के प्रकार जैसे सिल्क, वुल, लेदर, उनको हम पानी से नहीं धो सकते, उनको ड्राई क्लीन किया जाता है। दोस्तों, हर एक का ड्राई क्लीन करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग ड्राई क्लीन प्रोसेस में थोड़ा बहुत पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर कपड़े धूल मिट्टी से गंदे हो चुके हैं तो उनको साफ करने के लिए थोड़ा बहुत पानी का इस्तेमाल किया जाता है, बाद में उनको सुखाया जाता है और बाद में ड्राई क्लीन प्रोसेस में उनको क्लीन किया जाता है। जिद्दी से जिद्दी दाग को भी ड्राई क्लीन प्रोसेस में क्लीन किया जाता है। देखिए दोस्तों, ड्राई क्लीन प्रोसेस में बेसिकली कुछ लोग वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट सोप इस्तेमाल करते हैं, और जो लिक्विड सॉल्वेंट होते हैं, जो लिक्विड केमिकल्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ड्राई क्लीनिंग में जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। वो सॉल्वेंट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, वो पेट्रोलियम हो सकते हैं, गैसोलीन है, बेंजीन है, टर्पेंटाइन है और केरोसिन भी हो सकता है। तो ये सभी ज्वलनशील है, जो बहुत ही फ्लेमेबल होते हैं, उनका इस्तेमाल ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस में किया जाता है। साथ ही कुछ नॉन फ्लेमेबल सॉल्वेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि है टेट्राक्लोरोइथिलीन, जिसे पर क्लोरोइथिलीन नाम से भी जाना जाता है, और डेकामिथिल साइक्लोपेंटा सिलोक्सिन, इस केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस करने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है, इनमें से कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया ज्ञान मिला होगा। आपके मन में जो कन्फ्यूजन है ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है, वो सारा कन्फ्यूजन क्लियर होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए रोजाना कराता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।